शब्द और वाक्य आओ पहचाने नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें और समझिए बोतल ब हल चिन्ह जोड़े ओ जोड़े त हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े ल हल चिन्ह जोड़े अ लतबो ल हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े त हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े ब हल चिन्ह जोड़े ओ शब्द का कोई अर्थ नहीं है बर्तन चिन, जोड़े आ, जोड़े चिन, जोड़े आ, जोड़े हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े र हल चिन्ह जोड़े अ त हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े न चिन्ह जोड़े अ नतरब न चिन्ह जोड़े अ जुड़े त चिन, चिन, हल चिन्ह जुड़े अ जुड़े र हल चिन्ह जुड़े अ जोड़ें ब हल चिन्ह जोड़ें अ शब्द का कोई अर्थ नहीं है आओ जाने जैसा कि हम सब जानते हैं वर्णों को यदि निश्चित क्रम में लिखा जाए तो वह वर्णमाला कहलाती है उसी तरह आपने देखा और पढ़ा कि ऊपर दिए गए शब्द कुछ अर्थ बता रहे हैं तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों के उचित मेल से शब्द बनते हैं अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों को सार्थक रूप से जोड़ने पर शब्द बनते हैं र के रूप आपने पाठ दो में पढ़ा कि र का प्रयोग रेफ पदेन पदेन जुड़े हल चिन्ह के रूप में भी किया जाता है आइए इसके कुछ उदाहरण देखें रेफ वाले शब्द सूर्य मिर्ची वर्षा दर्पण गर्दन पर्वत पदेन पदेन वाले शब्द रुद्राक्ष ग्रह प्रणाम प्रेस ग्राम प्रकाश पदेन हल हलचिन्ह वाले शब्द ट्रक ड्रम ड्रेस राष्ट्र ड्राइवर पेट्रोल शब्द के प्रकार वैसे तो शब्द के और भी प्रकार हैं, किंतु अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक निरर्थक सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं जैसे भ चिन्ह जोड़ें ओ जोड़ें च हल चिन्ह जोड़े अ जोड़ें न हलचिन्ह जोड़े अ भोजन ट हलचिन्ह जोड़े ए जोड़े ब हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े ल हल चिन्ह जोड़े अ टेबल निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं जैसे न चिन्ह जुड़े अ जुड़े ज हल चिन्ह जुड़े अ जुड़े भ हल चिन्ह जुड़े चिन, ओ नजभो ल हलचिन्ह जुड़े अ जुड़े हल चिन्ह जोड़े आ जुड़े ट हलचिन्ह जोड़े ए लबटे पढ़ें और समझें। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें। घूम रहा हाथी है जंगल में हाथी जंगल में घूम रहा है ऊपर दिया गया पहला वाक्य आपने पढ़ा क्या शब्द उचित क्रम में है अब दूसरा वाक्य देखें। इसमें शब्द उचित क्रम में लिखे हैं, जिस कारण वाक्य पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट कर पा रहा है जिस प्रकार ईंटों और दीवारों को जोड़कर कमरा बनता है व कमरों से मकान उसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है अर्थात वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हों इसलिए शब्दों को उचित क्रम में लिखना आवश्यक है अन्यथा वाक्य पढ़ने में अस्पष्ट व अटपटे प्रतीत होते हैं अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं वाक्य के अंग वाक्य के दो अंग होते हैं विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं प्रत्येक वाक्य में हम दो बातें देखते हैं पहली यह है, कि किस आदमी या वस्तु के बारे में बात की जा रही है दूसरी यह कि उस आदमी या वस्तु के बारे में या काम के बारे में क्या बात की जा रही है जैसे तोता हरी मिर्च खा रहा है उद्देश्य विधेय इस वाक्य में तोता उद्देश्य है जिसके बारे में कहा गया है हरी मिर्च खा रहा है यह विधेय है जो उद्देश्य के बारे में कहा गया है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें राम कल दीदी की शादी में गया था राम ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं आएगा आपने उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़ा और देखा कि पहले वाक्य में क और ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है लेकिन दूसरे वाक्य में क पर ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है ऐसा क्यों की और की में क्या अंतर है की का प्रयोग वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में किया जाता है जैसे राम कल दीदी की शादी में गया था दीदी संज्ञा शादी संज्ञा। की का प्रयोग क्रिया के बाद दो वाक्यों के बीच में किया जाता है जैसे राम ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं आएगा वाक्य एक वाक्य दो याद रखिए कि और अंग्रेजी में ऑफ और की को दैट कहते हैं ध्यान रखिए कि की, की दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ती है कि हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आती है की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है की की दो वाक्यों को जोड़ती है की हमेशा क्रिया शब्द के बाद आती है की के बाद किसी भी लिंग का तथा संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है की के उदाहरण मोहन शिमला की पहाड़ियों में घूम रहा है शिमला संज्ञा पहाड़ियों संज्ञा वह भूल से अध्यापक जी की कुर्सी पर बैठ गया अध्यापक जी संज्ञा कुर्सी संज्ञा की के उदाहरण पिताजी चाहते थे कि मैं परीक्षा में अव्वल आऊं चाहते थे क्रिया मुझे लगा कि विश्वास मुझसे झूठ बोल रहा था लगा क्रिया सोचें और बताएं वाक्य किसे कहते हैं वाक्य के कितने अंग हैं सूरज रोशनी देता है वाक्य में उद्देश्य और विधेय बताइए हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द शब्दों के सार्थक समूह के मेल से वाक्य बनते हैं वाक्य के दो अंग हैं उद्देश्य और विधेय